का जो यहाँ पे कंट्रोल रूम है, और सुमित्रा राव सर जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं म्यूनिसिपैलिटी को, तो मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ये हमारा इंदौर सिटी है, जिस प्रकार से जो इसको स्वच्छ शहरों के अव्वल दर्जे में रखा गया है, पूरा जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण हुआ हमारा, तो रावत जी क्योंकि आप तो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और आप भी चाहते हैं कि वहाँ पर भी इस तरीके से जो स्वच्छता में हमारा राष्ट्र में स्थान बन पाए, तो हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा यहाँ से जो आप जो कंपेरेटिव वो है बातें हैं कि हम किस तरीके से जो है इंदौर को एक स्वच्छ शहर का दर्जा दे पाए, तो थोड़ा सा आपकी राय चाहेंगे इसमें। देखिए सर कि यहाँ पर क्या है, सभी लोगों की मेहनत है, जो हमारे सफाई मित्र हैं, जो बड़े अधिकारी हैं उनका मार्गदर्शन रहता है, कमिश्नर मैडम है, एडिशनल कमिश्नर साहब हैं, और जितने भी बड़े अधिकारी सबका मार्गदर्शन रहता है, और हमारे जितने भी सफाई मित्र हैं, CSI हैं, दरोगा हैं, जितने भी स्वच्छता से जुड़े हुए हैं, सभी का सहयोग रहता है। और इसी तरह और अपने इंदौर शहर वासियों का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। सबसे बड़ा योगदान ये है कि उनके द्वारा जो कचरा है, तो एक तो जो गाड़ियाँ चलती हैं हमारी उसी में डाला जाता है, इधर उधर फेंका नहीं जाता है, ये सबसे बड़ा योगदान है। और दूसरों को भी, एक दूसरे को भी समझाइश देते हैं कि ऐसा नहीं करना है। दूसरा सर, ये जो आप कचरे का जो प्रबंधन करते हैं ना, गीला कचरा और सूखा कचरा, ये अन्य जो उसको किस तरीके से सर, लोगों के अंदर आप? हाँ, हमारे यहाँ डोर टू डोर गाड़ियाँ चलती है, जो सुबह अपने 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है निकलना, तो एक तो अपने लेटर बिन खाली करने के लिए निकलती है सुबह 6 बजे से, उसके बाद 6:30 बजे से गाड़ियाँ अपने स्थानों से लोगों के घरों तक पहुँचना स्टार्ट हो जाती है, जो 7 बजे से लोगों के घर से कचरा लेना स्टार्ट कर देती है, और लोगों को बताया जाता है। आज अब तो क्या है कि इंदौर शहरवासी सब जागरूक ही हो चुके हैं और सभी अलग अलग कचरा, गीला कचरा, सूखा कचरा, इस तरह से 6 बिन बनाए हैं हमारे, जो अलग अलग तरह का कचरा इकट्ठा करते हैं, तो सभी लोग अलग अलग तरह का कचरा इकट्ठा करके अलग अलग बिनों में डालते हैं जो हमारी गाड़ियों में ही लगे रहते हैं। गीला कचरा हुआ, सूखा कचरा हुआ है, मेडिकल वेस्ट के लिए है, डाइपर वगैरह, सैनिटरी पैड वगैरह के लिए अलग से है, और अपने कांच की और प्लास्टिक के लिए अलग से हैं, इस तरह के 6 बिन बनाए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है रावत जी, और मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से लोगों का दृष्टिकोण यहाँ पे आपने बदला, और आप तो उत्तराखंड से हैं, तो थोड़ा उत्तराखंड वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो यही हूँ कि अपनी भूमि जो है देवभूमि है, तो जितना ज़्यादा हो, और पहाड़ी क्षेत्र है इतना, मतलब वहाँ पर इतना अच्छा माहौल रहता है कि लोग भी बहुत आते हैं, तो इतने देव स्थान है वहाँ पर अपने देवभूमि में, तो यही चाहूँगा कि अपने यहाँ भी स्वच्छता रहें, अपने वहाँ अपने गंगा माता। अपने जो किचन का रहता ना, साग सब्जी कचरा सब इसमें डालते हैं, और जो पौधों का रहता है कचरा वो भी इसमें डालते हैं, और फिर बाद में केमिकल डालते हैं, केमिकल के बाद फिर 8 दिन तक ढकते हैं, ढकने के बाद फिर खाद हो जाती है ना, उसको फिर बगीचे में डालते हैं, गमलों में डालते हैं सब्जी। हाउस होल्ड, मंडी, रेस्टोरेंट्स, बाजार और घरों से आने वाले सेग्रीगेटेड कचरे को 15 टन क्षमता वाले CNG प्लांट में लाया जाता है। यहाँ उच्च तकनीक का उपयोग करके इस कचरे को प्रोसेस किया जाता है, बायोगैस को अपग्रेड करके CNG गैस का निर्माण किया जाता है, जिसे शहर की सिटी बस में फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इंदौर में एक इनोवेटिव अप्रोच के तहत वेस्ट प्लास्टिक से क्रूड ऑयल निकालने का प्लांट लगाया गया। इस क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके ईंधन में अपग्रेड किया जाता है। प्रतिदिन 8 टन के बॉयलर में वेस्ट प्लास्टिक को डालकर उससे 3200 लीटर क्रूड ऑयल तैयार किया जाता है, जिससे 60% डीजल और 4% पेट्रोल बनता है। इंदौर है, उसके यहाँ पर हेडक्वार्टर में हूँ, और आपका नाम संतोष जी से मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप यहाँ ऑफिस में काम करते हैं, तो आप देखते होंगे कि यहाँ पे जो भागदौड़ लगी रहती है, हर आदमी जो है ये चाहता है कि इंदौर जो एक स्वच्छ शहर बने, और बना भी है लगातार 6 वर्ष से मेरे ख्याल से जो है स्वच्छता के उसमें पूरे राष्ट्र में पहले नंबर पे। तो ऐसा क्या होता है यहाँ पे कि जो है हर बार जो है इंदौर को ये जो है पहला स्थान मिलता है, तो खास करके जो ये हमारे स्मार्ट सिटी के जो कार्य होते हैं उनकी जो बातें हैं, अच्छी बातें हैं, उनके बारे में बताएं। तो क्या सर, इंदौर जो है हमारा सभी लोगों की ओर काम हो जाते हैं, तो कंप्लेंट किस प्रकार की आती है, मतलब जहाँ पे कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, नगर में कहीं की गंदगी है, हाँ, तो उसके बारे में लोग ऑनलाइन कंप्लेंट करते होंगे? नहीं, ऑनलाइन भी करते हैं,
डायरेक्ट का एयर नहीं है। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है फिर उसके निराकरण करने के लिए तुरंत जो है उसमें एक्शन करते हैं, कहीं का कोई हुआ तुरंत उसका जो है वो बनाते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं कैसे इसको ठीक करें। नहीं, डायरेक्ट बंदे को भेज देते हैं, सर्वे करके आएगा, सर्वे करके आएगा, काम हो जाए। इस तरीके से मतलब जितनी भी वो कंप्लेंट आती है आपके शहर में ये सुझाव भी आते होंगे लोगों के, उन पे भी जो है यहाँ से जो ये स्मार्ट सिटी का हमारा जो नियंत्रण बना है परिषद है यहाँ से उस पे तुरंत इम्प्लीमेंट होता है कार्य होता है। अच्छा, जैसे कुछ विशेष कार्य हुए होंगे यहाँ पे, विशेष तो क्या है, हर संडे कार्यक्रम होते हैं, गार्डन जहाँ वहाँ भी क्या क्या करते हैं यहाँ हमेशा, तो संडे को भी अधिकारी आ जाते हैं। अच्छा, कंटिन्यू जो है यहाँ पे योगदान करते हैं, रविवार को भी जगह जगह पे कार्यक्रम होते हैं कि ये जो इंदौर को इसको कैसे जो है मतलब स्वच्छ रखना है, इसके लिए क्या क्या प्लान करने जाने आते हैं, कमिश्नर मैन भी संडे को आ जाते हैं। क्या नाम है सर क्वेश्चन? पाल में। अच्छा, पाल में। अच्छा, ये इस समय कमिश्नर में पाल में है यहाँ पे कमिश्नर, बहुत सुंदर है। ठीक है, थैंक यू। और ये जो ग्लोबल मॉडल है म्यूनिसिपैलिटी को वेस्ट मैनेजमेंट सस्टेनेबल को ये जो है UNDP की ओर से दिया जाता है, और जो NLC ये कौन सा ईयर के लिए 2022। ओके, थैंक यू। मैं इंदौर से हूँ, आम नागरिक हूँ यहाँ का। हम यहाँ पे सब कचरा अलग अलग डालते हैं, हर कलर का डब्बा है, जैसे इसमें प्लास्टिक डलता है, इसमें जैसे केले वगैरह है, अंडे के छिलके वगैरह डलते हैं, इसमें जैसे अपने मास्क वगैरह ये वो सब अलग अलग डलते हैं। साफ सफाई भी बढ़िया रखी जाती है, पॉलिथिन वगैरह सब बेल कर रखा है। अच्छा, 2 3 4 5।